हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी। तो फर्स्टली हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी होता क्या है। तो एम्ब्रियोलॉजी फॉर्मेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का कैसे फॉर्मेशन, कैसे कैसे बनता है, उसके कैसे कैसे ग्रोथ होती है, कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, उसे हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। देन हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमारी दो स्टेप में कम्प्लीट होती है। जो स्टेप फर्स्ट है, जब हमारा स्पर्म कैसे कैसे रिलीज होकर ओवम तक पहुँचता है, ये स्टेप फर्स्ट है। देन हमारा स्टेप सेकेंड है कि एक फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सेल है ओवम, और मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो स्पर्मेटोजोन है, वो कैसे आपस में मिलते हैं, वो आगे स्टेप टू है, वो हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट स्टेप है कि जो हमारे स्पर्म होते हैं वो 20 मिलियन से भी ज़्यादा स्पर्म रिलीज होते हैं जेनाइटल ट्रैक्ट में। आफ्टर देन जो 1000 ऑफ स्पर्म है वो रीच होते हैं फैलोपियन ट्यूब में। फर्स्टली जेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज होते हैं, देन फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। आगे बात करते हैं जो हमारे 200 से 500 ऑफ स्पर्म होते हैं वो क्या करते हैं, ओवम तक पहुंचते हैं। उसके बाद जो ओनली वन स्पर्म पेनिट्रेट द ओवम, जो एक स्पर्म रहता है वो सिर्फ ओवम तक ही पहुंच पाता है, उसको पेनिट्रेट करता है सिर्फ एक ही स्पर्म। और उसके आगे हम बात करते हैं स्टेप टू, जो हमारा स्टेप टू है। स्टेप फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया, देन स्टेप टू कैसे होगा, जब हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ओवम है, ठीक है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है स्पर्मेटोजोन है, वो क्या करते हैं आपस में यूनाइटेड होते हैं, मतलब आपस में फ्यूज़ होते हैं। कहाँ पे फ्यूज़ होते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। देन क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, देन जायगोट बनता है। इसकी बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें स्पर्म और ओवम में कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो मैं आगे आपको डिस्कस करके बताती हूँ क्या क्या होंगे। बट यहाँ पे इतना है, जो ओवम है स्पर्मेटोजोआ आपस में यूनाइट होते हैं, देन क्या स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, देन जायगोट बनाते हैं। ये हमारी जो पूरी प्रोसेस है ये हमारी फर्टिलाइजेशन कहलाती है।